भारत को आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ था। अच्छा जो फिल्म है वो जी जी, मैं बेहद खुश हूँ और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे इतनी बड़ी और इतनी अच्छी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला है और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। अली अब्बास जफर साहब जो हैं उसे डायरेक्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे फिल्म को, तो इट्स अ मैसिव बिग फिल्म, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म। मैंने उनके जैसा इंसान और डिसिप्लिन्ड आदमी और कलाकार नहीं देखा, बिकॉज वो एक टाइम में इतना काम करते हैं, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और 2032 में कौन सी फिल्म कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्टिंग की प्लानिंग हो रही है, सुन रहे हैं, आई मीन ही इज़ वेरी बिजी, टेलीविजन ट्रैवल्स एंड देन बीइंग ह्यूमन, जो चैरिटेबल उनका काम चलता रहता, तो और इसके बावजूद वो हर रोज़ 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते हैं और थोड़े दिन पहले वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, रिब में कुछ फ्रैक्चर आ गया था, बट तीसरे दिन वो फिर से वो एक्सरसाइज कर रहे थे, वो पता नहीं कुछ और मिट्टी के बने हैं। भारत के साथ थाईलैंड और श्रीलंका, नेपाल, मैं फिल्म की शूटिंग के बाद घूमने जाऊंगा इन 3-4 पर जगहों पर। उसके साथ मखमल के लिए कारपेट की जैकेट है, ये हमारे घर पे कारपेट बिछाया हुआ था तो फेंकने वाले थे, मैंने कहा ये मुझे दे दो, मैं जैकेट सिलवा के पहन लूँगा, अच्छा कारपेट था शुक्रिया। एक्चुअली विक्रम फडणवीस साहब की है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा ऊंचा बोलिए जी। अभी एक शो आ रहा है कानपुर वाले खुराना, स्टार प्लस पे आ रहा है, सैटरडे संडे 9:30 बजे, और मैं उसमें जीजा की भूमिका निभा रहा हूँ, मेरी 6 सालियाँ हैं और आई एम होपिंग कि, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 6 साली में एक तो अली भाई है, एक नौशाद है, 3 तो मर्द ही हैं उसके अंदर, सूरी हैं। हाँ जी, देखिए कॉम्पिटिशन बहुत स्वाभाविक नेचर है, वो कंपेरिजन्स तो होगा ही, क्योंकि हम छोटे बच्चे बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी कंपैरिजन्स करते हैं, अपना बड़ा बेटा होता है छोटा बेटा होता है, या एक टीम का दूसरी टीम के साथ तो कंपैरिजन ठीक है, विद इन द टीम भी कंपैरिजन्स होते हैं, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो एक ह्यूमन नेचर है, वो होगा ही। सो आई एम विशिंग, एक सेकेंड, हाँ सो वो आवाज़ें आ रही है मेरे पास, हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट बोल रहे हैं, हाँ सो ये कंपैरिजन्स होंगे ही, तो वो ह्यूमन नेचर है। आई एम होपिंग कि जितनी ज़्यादा कॉमेडी होगी, जितने चैनल्स पर कॉमेडी होगी, क्योंकि लोगों में स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, लोग हंसें इन्जॉय करें, मैं यही चाहता हूँ। नया साल आने वाला है और नए साल पे मैं प्रमोद कुमार स्टार प्लस पे अपने साले के साथ आ रहा हूँ नए साल में, दैट वाज अ काइंड ऑफ जोक। सो आप प्लीज़ देखिए स्टार प्लस पे, हमारी सबकी कोशिश है कि आपके चेहरे पर स्माइल लाएँ, बाकी तो ईश्वर जानता है। थैंक यू सर।